नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटरनेट चैनल जीएम डेकोर पर। हम अलग अलग टॉपिक पे आपसे बात करते रहते हैं, उसी श्रृंखला में हम लेके आए पेंट वर्सेस वॉलपेपर। जी हाँ दोस्तों, रूम को या अपने मकान को डेकोरेट करते समय वॉल का डेकोरेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो उस वॉल पर आपको पेंट कराना है, वॉलपेपर कराना है, किस जगह पेंट कराना है या किस जगह वॉलपेपर लगाना है, और इनकी कॉस्टिंग क्या क्या होती है, क्या वॉलपेपर के एडवांटेज हैं, क्या पेंट के एडवांटेज हैं, और साथ ही साथ क्या इन दोनों प्रोडक्ट्स की लिमिटेशन है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। दोनों प्रोडक्ट को हम कंपेयर कराते हुए सारे पॉइंट्स आज कवर करने जा रहे हैं, तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। सबसे पहले वॉलपेपर वर्सेस पेंट के लिए हम बात करेंगे कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग के में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट होता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट वॉलपेपर में सभी तरह की वैरायटी आती है, 500 रुपए रोल, 600 रुपए रोल, 1000 रुपए रोल, 1500 रुपए रोल, और अप टू 5000 रुपए रोल तक के वॉलपेपर मार्केट में अवेलेबल है। उसी तरह हम पेंट की बात करें तो पेंट में भी अलग अलग क्वालिटी के पेंट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि एक्स्ट्रा शाइन, मैट फिनिश, अल्ट्रा ग्लॉस और अलग अलग तरह के पेंट भी अवेलेबल है। तो दोनों की प्रोडक्ट कॉस्ट डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का, किस ब्रांड का मटेरियल ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉस्टिंग जो हमारी प्रोडक्ट की रहती है, वो होती है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट की बात करी जाए तो वॉलपेपर लगाने के लिए टेक्निकल, साउंड और स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, क्योंकि फिनिशिंग से लगाना, उसमें सल नहीं आए, प्रॉपर जॉइंट नहीं दिखे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पर पेंट के लिए ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल स्किल्ड लेबर और थोड़ा अनट्रेंड लेबर भी पेंट आसानी से कर देता है। तीसरी कॉस्टिंग का फैक्टर होता है दोनों प्रोडक्ट लगाने से पहले जो वॉल है उसको हमने कितना प्रिपेयर किया है। वॉलपेपर लगाने के लिए आपको वॉल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, कहीं पे भी कोई खड्डा है या फिर उबड़ खाबड़ है, कोई जो भी है उसको प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी उसको छोड़ देंगे तो वो जो चीज़ है वॉलपेपर के अंदर दिखेगी। खड्डा है तो खड्डा दिखेगा, अगर दीवार वहाँ से उठी हुई है तो वो दिखेगी। तो वॉल प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए। पेंट के लिए भी वॉल प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, पर इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि पेंट क्या करेगा, खड्डा है या फिर उबड़ खाबड़ है तो उसको अपने अंदर दबा लेगा, पेंट उस चीज को ढक लेता है। तो सीधे सीधे वर्ड में वॉलपेपर के लिए वॉल प्रिपरेशन की ज्यादा जरूरत होती है और पेंट के लिए अपेक्षाकृत कम होती है। कॉस्ट के बाद बात करते हैं हम दोनों प्रोडक्ट के ड्यूरेबिलिटी की। सबसे पहले वॉलपेपर की बात की जाए तो अगर वो पेपर प्रॉपर कंडीशन में लगा रहे, कोई सीलन उसमें नहीं आए, कोई उसकी छेड़छाड़ ना करे, तो लगभग लगभग 15 साल तक ये आसानी से चल जाता है। उसी तरह अगर पेंट की बात की जाए तो पेंट कितना ही हम अच्छे से अच्छा ले लें, 5 साल, 6 साल, ये उसकी लास्ट लिमिट होती है, उसके बाद हमें पेंट दोबारा कराना ही पड़ता है। कई जगह तो जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल है या फिर ज़्यादा लोग वहाँ से गुजरते हैं, बार बार हाथ लगता है, तो 2-3 साल में भी हमें पेंट दोबारा ना करना पड़ जाएगा। पर मेंटेनेंस क्या होता है दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी मेंटेनेंस पे डिपेंड करती है, तो मेंटेनेंस वॉलपेपर की थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आप उसमें बार बार हाथ नहीं लगाएं, कोई बच्चे इसको फाड़ नहीं दें और कोई इस पर गंदगी पेन वगैरह से लिख नहीं दें, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सीलन नहीं आ जाए, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कोई पानी उसमें फेंक नहीं दे, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पेंट के साथ थोड़ी मेंटेनेंस, इस तरह के पॉइंट कम है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर कहीं से वॉलपेपर खराब हो गया है तो उसको दोबारा सही कराने के लिए आपको एक स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सही कर लिया, थोड़ा दिक्कत रहेगा। पर पेंट में अगर आपके पास कोई पुराना पेंट उसी कलर का पड़ा हुआ है तो आप स्वयं भी उसको टचिंग करके सही कर सकते हैं, या फिर किसी भी अनस्किल्ड लेबर से उसको करा सकते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी वॉलपेपर की ज़्यादा है, पर साथ ही साथ उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, इसलिए वॉलपेपर को बोला जाता है अगर आप प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वॉलपेपर लगा लीजिए। थर्ड पॉइंट है हमारा लुक। वॉलपेपर और पेंट के अगर लुक की बात की जाए तो नो डाउट वॉलपेपर का लुक बहुत ज़्यादा बेटर आता है, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, लिमिटलेस पैटर्न हम बना सकते हैं, फ्लावर प्रिंट बना सकते हैं, टेक्चर्स बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस बना सकते हैं, या फिर कोई भी इमेज जो हम नेट से डाउनलोड करके वॉलपेपर के ऊपर प्रिंट करा सकते हैं। वॉलपेपर के अंदर कलर मिक्सिंग, पैटर्न्स, डिजाइनिंग की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें पेंट की तो पेंट में भी कुछ मिक्सिंग होने लगी है, पर बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर मिक्सिंग या कलर मिक्सिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, ऐसा तो है ही नहीं एक दीवार पे हम 10 कलर को आम में ले लेंगे, जैसा था एक कलर या दो कलर। पर वॉलपेपर के अंदर, एक ही वॉलपेपर के अंदर 20 कलर, 30 कलर तक भी यूज होकर उस वॉल इमेज को बनाया जाता है। तो वॉलपेपर का नो डाउट लुक बहुत ज़्यादा एस्थेटिक आता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक आएगा। पेंट का एक सोबर, एक
कॉमन लुक आता है। अगला पॉइंट है यूजेस। जी हाँ दोस्तों, वॉलपेपर कहाँ यूज हो सकता है और पेंट कहाँ हम यूज कर सकते हैं। वॉलपेपर जैसे कि आपने देखा कि सीलन से खराब हो जाता है या फिर ज्यादा फुटफॉल हो वहां खराब हो जाता है, बच्चे इसको खराब कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने घर में आप वॉलपेपर लगा रहे हैं तो बाथरूम में वॉलपेपर मत लगाइए, किचन में मत लगाइए, चिल्ड्रंस रूम में अगर ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो वॉलपेपर अवॉइड करिए, और ऐसी जगह जहाँ बार बार ज्यादा लोगों का फुटफॉल है तो वहां पर वॉलपेपर मत लगाइए। अब वॉलपेपर लगाना कहाँ है तो वो आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, अपने गेस्ट रूम में आप लगा सकते हैं जहाँ लोग आते हैं मिलते हैं आपसे, तो पूजा घर में लगा सकते हैं, डाइनिंग एरिया में लगा सकते हैं, ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ ठीक है। तो एक वॉल पे लगा दिया, हाईलाइट उस वॉल को कर दिया और अच्छा भी लुक आ रहा है। अगर हम बात करें पेंट की तो भाई पेंट तो घर के हर कोने में हम लगा सकते हैं, क्योंकि पेंट ना पानी से ज़्यादा जल्दी खराब होता है ना कोई स्क्रेच से खराब होता है, तो पेंट तो हम हर जगह काम में ले ही सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में वॉलपेपर और पेंट की कोस्टिंग, यूजेज, मेंटेनेंस, ड्यूरेबिलिटी आदि पॉइंटों के माध्यम से दोनों को कंपेयर करा के दोनों के कंपैरिजन हमारा आपको बता चुके हैं। अब एक वर्ड में अगर इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करें तो घर का हम रिनोवेशन करा रहे हैं या फिर नया घर बना रहे हैं तो आप पूरे घर में पेंट कराइए, बट कुछ ऐसी हाईलाइटेड वॉल, जैसे कि हमारी बेडरूम के अंदर एक वॉल हो गया, डाइनिंग रूम के अंदर एक वॉल हो गया, ड्राइंग रूम के अंदर एक वॉल हो गया, इस तरह की वॉल्स पे हम वॉलपेपर काम में लेके, अगर बच्चे बड़े हैं तो बच्चों के रूम में भी हम अच्छा सा मोटिवेशनल वॉलपेपर लगा सकते हैं। हमारी एंट्री जहाँ पे है, एंट्रेंस पे भी एक सुंदर सा वॉलपेपर हम लगा सकते हैं। तो कुछ वॉल पे जहाँ पे हमारे हाथ आसानी से नहीं लगे, सीलन नहीं आती हो, ऐसी जगह वॉलपेपर लगा के हमारे रिनोवेशन को प्रीमियम लुक दे सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, हर जगह हम पेंट करा लेंगे तो वो भी एक कॉमन लुक हो जाता है। तो आप दोनों का मिक्सअप काम में लीजिए, जहाँ पेंट कराना है पेंट काम में लीजिए, जहाँ वॉलपेपर से अपने मकान को हाईलाइट कर सकते हैं। कहीं बीच में पिलर आ रहा है तो पिलर पे आप वॉलपेपर लगाइए, बहुत ही सुंदर लुक आता है। तो दोस्तों आज आपने समझा वॉलपेपर वर्सेस पेंट। इसी तरह के और कंपैरिजन के वीडियो हम बनाते रहेंगे। वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहिए।